अब हम जिस पर जिस पॉइंट में बात करेंगे वो है खानदानी खुशहाली में रिकावटें। खानदानी खुशहाली में जो रिकावटें हैं वो इस वजह से हैं कि हम खुदा के कलाम को ऑनर नहीं करते, हम उसके कलाम को रद्द कर देते हैं। जब जब भी हम कलाम के खिलाफ जाएंगे तो उसके हमें नतीज फेस करने पड़ेंगे। लेकिन मैं अपने सुनने वालों को ये बात बताना चाहता हूँ, जितने भी टीवी पे वॉच कर रहे हैं और इस पैगाम को सुनेंगे और नेक्स्ट किसी और को बताएंगे, वो ज़रूर अपने आप इस बात के लिए देखें कि मैं कौन से खुदा के कलाम के वादों पे जो है मैं अमल नहीं कर रहा। नंबर वन क्या है? तरबियत को रद्द करना। अजीज, तरबियत को रद्द करना खानदानी खुशहाली में पहली रिकावट है। कलाम को सुनने के बाद आप गौर कीजिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि मैंने कौन से कलाम के हिस्से को रद्द किया, मैंने कहाँ मेरी ज़िंदगी में रिजेक्शन की स्पिरिट आई है, और जहाँ पे ये प्रॉब्लम है वहाँ पे ये आपकी खुशहाली में रिकावट है। अमसाल 13 बाब और उसके 18वीं आयत में लिखा है, तरबियत को रद्द करने वाला कंगाल और रिश्वा होगा, पर वो तंबी का लिहाज रखता है इज्जत पाएगा। या जो तो तरबियत को रद्द करेगा, जो नहीं चाह रहा कि वो डिसिप्लिन हो जाए, नहीं चाहता कि अपने आप को दुरुस्त कर ले, या वो तो कंगाल और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो इस बात का लिहाज रखता है, जो इस बात को मान लेता है, जो अपने आप को तैयार करता है कि मैंने तरबियत हासिल करनी है, तरबियत मैंने खुदा के कलाम को ऑनर करना है, मैंने उसे कलाम को इज्जत देनी है, बाइबल बयान करती है वो इज्जत पाएगा। आप जब देखिए खुदा कलाम को ऑनर करते हैं तो मेरा खुदा आपकी इज्जत करता है। कलाम में एक और जगह बयान किया है, किया गया है, जो खुदा की खिदमत करता है खुदा उसकी इज्जत करता है। आए अपने आप को हम पेश करें कि हम भी बाप की खिदमत करना शुरू करें ताकि खुदा का बेटा यीशु मसीह आपको ऑनर दे सके, आपकी रसवाई से बाहर निकाले, आपको आपको कंगाल होने से, रसवा होने से बचा सके। मेरा खुदा बचाना चाहता है, लेकिन जब आप अपनी उस बात को मान लेंगे खुदा मैं तैयार हूं, लेकिन जो रद्द करेगा तरबियत को, जी हाँ, उसको पे ये हालात फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन जो तंबी को मान लेता है, लिहाज करता है, वो सरफराज के रहेगा। नंबर टू खानदानी खुशहाली में जो रिकावट में नंबर दो जो है वो है सुस्त होना, लेजीपन आ जाना। अमसाल 20:13 ख्वाब दोस्त ना हो मदद तू कंगाल हुए, अपनी आंखें खोल कर तू खोल तो रोटी से शेर होगा। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं शायद को, ख्वाब दोस्त ना हो मुबादा तू कंगाल हुए, अपनी आंखें खोल कर तो रोटी से शेर होगा। अमसाल 20:13 हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम जब भी काम करेंगे वो हम सुस्ती का इंतजार करेंगे, कर लेते हैं, कर लेंगे, अभी काफ़ी टाइम रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम चर्च जाना, हमने
और हम हर इतवार, पता भी हमें है चर्च के टाइम टाइम 9 बजे है का है, अच्छा हम करते रहेंगे, चले जाते हैं, उठ जाते हैं, सुस्ती का हम काम कर रहे हैं, सुस्ती को मौका दे रहे हैं, करते 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 हम तब चर्च पहुँचे जब पैगाम जो है शुरू हो चुका होता है, या कई दफ़ा पैगाम ख़त्म हो रहा होता है, कई दफ़ा चर्च में लोग आते हैं तो वो तब एंटर जब वो आखिरी कलमाते बरकत दे रहे होते हैं। जी प्लीज़ इस बात पे ध्यान कीजिए, जी हाँ, अपने अंदर सुस्ती को ना आने दें। ये भी आपकी खुशहाली में रिकावट है, इसको दूर कीजिए और कलाम के हिस्से पर अमल करते हुए अपने आप को तैयार कीजिए ताकि सुस्ती आपकी जिंदगी में ना रहे। नंबर 3, खानदानी खुशहाली में तीसरी रिकावट जो है गुनाह का इंतखाब करना। अमसाल की किताब 13 बाप और उसकी 22 आयत में लिखा है, नेक आदमी अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ता है पर कंगाल पर गुनेगार की दौलत साधकों के लिए फराहम की जाती है। आप गुनाह का इंतखाब ना कीजिए, गुनाह आपको खुदा से दूर कर देता है, खुदा के वादों से दूर कर देता है, गुनाह से आपको शर्मिंदगी का सामना रहता है, गुनाह आपको खुदा की आवाज सुनने में रिकावट है, इसलिए गुनाह का इंतखाब मत करें। दाऊद ने कहा, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। सो बदी खुदा की आवाज को सुनने में एक बड़ी रिकावट है, इसलिए गुनाह का इंतखाब ना कीजिए, ये आपके खानदानी खुशहाली में रिकावट है। अगर जहां पे कोई आप समझते हैं कि ये गलती में से हो गई है, गुनाह हो गया है, खुदा के जरूर माफी मांगिए, वो माफ करने में सच्चा और आदल है और आपको माफ कर देगा। आप दिल से इकरार कीजिए, दिल से माफी मांगिए, क्योंकि मेरा खुदा आदल और मुनसिफ है, मेरा आपका खुदा जस्टिस खुदा है, वो आपको माफ कर देगा। कलाम में लिखा है, तुम्हारे गुनाह कितने ही क्रिमजी क्यों ना हो, वो धोकर बर्फ की मानन पाक साफ कर देगा। आए अपने आप को तैयार करें कि मैंने आज के बाद मैंने गुनाह का इंतखाब नहीं करना, मैंने गुनाह को मौका नहीं देना, मैंने अपने खुदा के साथ जिंदगी गुजारने का एक्सपीरियंस करना है, उसकी आवाज़ को सुनने का एक्सपीरियंस करें, खुदा की हजूरी का तजर्बा कीजिए, जी हाँ, खुदा के साथ रिलेशन बनाने का तजर्बा कीजिए ताकि आप गुनाह से दूर रहें। इतना आप खुदा के करीब रहेंगे उतना गुनाह और अबलीस भी आपसे दूर रहेगा। अपने आप को तैयार रखें कि खुदा मुझे तेरी ज़रूरत है और मेरा खुदा आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी तैयार है। चौथी जो बात है, जो खानदानी खुशहाली में रिकावट है, चौथा जो पॉइंट वो है, खुद गर्ज होना, सेल्फिश आप ना हो। आज बहुत दफा हम अपने बारे सोचते हैं, किसी गरीब के बारे में, किसी यतीम के बारे में, चर्च के बारे में, किसी पास्टर्स के बारे में हम नहीं ख्याल करते, अंजील के लिए हम ख्याल नहीं करते कि अंजील के फैलाव के लिए मुझे अपना हिस्सा देना है, हम नहीं ऐसा कर पाते जी, हमें हमारे अंदर ये प्रॉब्लम आ चुकी है। लेकिन आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी से खुद गर्जी की इस बुरी रूह को निकाल दीजिए, आप सेल्फिश ना हो। अगर आपके अंदर खुद गर्जी है तो फिर आप अपने आप को देखते रहेंगे, लेकिन जब आपके अंदर तरस आ जाएगा, मोहब्बत आपके अंदर आ जाएगी, फिर आप दूसरों का ख्याल रखना शुरू कर देंगे।
جب آپ کے اندر محبت آ جائے گی آپ دوسروں کے بارے میں فکر مند ہونا شروع ہو جائیں گے. کلام میں لکھے میرا خدا محبت ہے, یاد رکھیے وہ آپ کی فکریں بھی کرتا ہے اور وہ آپ کی بوجھ بھی اٹھاتا ہے. آئے ہم بھی مسیح کی محبت کا تجربہ کیجئے تاکہ میں اور آپ بھی ہم دوسروں کے لیے فکر مند بھی ہوں اور دوسروں کے لیے شفاعت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں اور دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے بھی بن سکیں. کیا میرا خدا آپ کے بوجھ اٹھاتا ہے تو پھر اس نے ہمیں سکھائے اس بات کے بارے میں ہم دوسروں کے لیے بھی کچھ کریں. تو خود غرضی جو ہے آپ کو یاد رکھے خدا کے کام سے دور کر دیتی ہے, انجیل سنانے سے دور کرے گی آپ کو. جو کچھ چاہیں سوچیں گے سب کچھ میرے پاس ہی ہو, کسی اور کے پاس نہ ہو. جی ہاں, لیکن محبت سے بھرے ہوئے لوگ جو ہیں ہمیشہ دوسروں کے لیے بہتر سوچنے کی اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ میں اس کے لیے کچھ کر سکوں, کسی غریب کے لیے, کسی بیوہ کے لیے, کسی یتیم کے لیے, کسی پاسبان کے لیے, کسی چرچ کے لیے, کسی اسکول کے لیے, کسی اپنے ہمسائے کی ضرورت کے لیے کچھ کرنے کے لیے ہمیشہ وہ پلان کرتے رہتے ہیں. اس لیے پھر میرا خدا جو ہے وہ بھی ان کو دینے سے یاد رکھیے پیچھے نہیں ہٹتا. خدا انہیں وافر مقدار سے دیتا ہے, کثرت سے دیتا ہے. خدا انہیں اپنے آپ کو ہمیں تیار کرنے کی ضرورت ہے. امثال 11 باب اور اس کی 24 آیت میں لکھا ہے, کوئی تو بتراتا ہے پر تو بھی ترقی کرتا ہے اور کوئی واجبی خرچ سے درے کرتا ہے پر تو بھی کنگال ہے. آپ اپنے آپ کو تیار کریں کہ میں نے سیلفش خود غرض نہیں بننا. اگر یہ پرابلم آپ کی زندگی میں ہے تو پھر آپ کنگال ہونے کے بہت قریب ہیں. جلد آپ مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں, جلد آپ اپنے لیے یہ جو ہے مشکل کھڑی کر رہے ہیں. خدا اس لیے دیتا ہے آپ کو تاکہ آپ دوسروں کا بھی خیال رکھیں. خدا نے اس لیے آپ کو سکلز دیے ہیں, خدا نے اس لیے آپ کو انرجی دی ہے, خدا نے اس لیے آپ کو عقل دی ہے کہ آپ دوسروں کے بارے میں سوچ سکیں اور ان کے لیے بھی کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ میرا خدا آپ کو خوشحال کر سکے. جی ہاں, میرے خدا کی مرضی آپ کے لیے یہ ہے. عزیزو, خاندانی خوشحالی میں یہ چار رکاوٹیں ہم نے دیکھی ہیں اور پھر ہم نے 3 پوائنٹ دیکھے ہیں خاندانی خوشحالی کے اقدام کون سے ہیں. سو اگر ہم ان اقدام کو لینے کے لیے تیار ہیں تو میرا خدا برکت دینے کے لیے تیار ہے. ہم نے 7 خداوند کی کلام میں سے خاندانی خوشحالی کے وعدوں پہ بھی غور کیا ہے. آئیں فیصلہ کریں اور اپنی دنیا اپنے آپ کو تیار کریں کہ میں خوشحالی چاہتا ہوں. لیکن جیسے ہی آپ اس کے کلام پہ دھیان کریں گے, غور و حوص کریں گے,